भाई गुरशरण सिंह जी लुधियाना वालियां दी रस भिन्नी आवाज विच हर वेले कथा कीर्तन अते सिमरन दा आनंद मानन लई भाई गुरशरण सिंह जी ऑफिशियल चैनल YouTube नू सब्सक्राइब करो अते नवे कीर्तन वीडियोस लई बेल आइकन नू जरूर दबाओ अते ऑल नू सिलेक्ट करो। इस नाल हर नवे वीडियो दा नोटिफिकेशन आप जी दे मोबाइल ते आएगा, फिर तुसी उस दा आनंद माण सकदे हो। तन तन बाबा दीप सिंह जिन्हां ने हर पल अपने सतगुरु जी नू कमाया कमाया सिर ते हाथ रखण साहिब सेवा लैण करमा वाले पौविंड बाबा जी का जन्म स्थान जिला अमृतसर। बाबा जी ने अवतार धारिया। बाबा जी का जन्म होया सात संगत 1682 दे विच 1682 दे विच जन्म पौविंड जिला अमृतसर। माता जीवनी जी दे कुखों, पिता भगता जी दे घर। माता जीवनी जी, पिता भगता जी, व्याह तो काफी सालां बाद, कुछ इतिहासकार लिखते हैं तकरीबन 15 सालां बाद बाबा जी का जन्म होया। 15 सालां बाद घर दे विच माया की कोई कमी नहीं सी, अपना खूह सी जी। पिता भाई भगता जी का अपना खूह सी, जिहदे खूह अपने होया करदे सन उदों सत्संग बड़े धनाड गिणे जांदे सन। घर च गाइयां मझियां खुल्लियां, खुल्ला दुध खुल्ला घिओ मक्खण, बड़े तगड़ा सत्संग शडोल शरीर बाबा जी का हुंदा। बचपन तो ही गुरमुख मां की गोदी मिली माता जीवनी जी। गुरु तेग बहादुर साहब सचे पातशाह जी के अनल सिख सन। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के सत्संग अनल सिख सन माता जीवनी जी ते पिता भाई भगता जी। सिखी अंदर भरी हुई सी, प्रैक्टिकल जीवन सी इन्हां दा। जदों जन्म होया गुरमुख मां दी गोदी मिली ते गुरमुख मां ने फिर अपना फर्ज अदा कीता। बचपन दे विच ही बाबा दीप सिंह जी नूं कई बाणियां कंठ कराइयां। आखो सतनाम, कई बाणियां कंठ कराई, सत्संग च लैके जाना। किन्नी वारी धन गुरु रामदास महाराज जी दे दरबार दे विच लैके जाना, नेड़े ही सी पौविंड। जदों समा मिलना गुरु रामदास महाराज दे दर ते बहना, ते बाबा दीप सिंह जी जदों गुरु रामदास महाराज दे दर ते जांदे ते छेती उठदे ही नहीं सन। आखो सतनाम, उठदे ही नहीं, अंदरली खिच पैंदी सी, खिच पैंदी सी। अंदर आत्मक तगड़ा हुंदा जा रहा बाबा जी। बचपन विच ही बाणियां कंठ हो गईयां, बाणी दे विच शब्द दा अभ्यास होना शुरू हो गया, नाम दी रंगण चढ़नी शुरू हो गई। और फिजिकली पिता जी दे नाल खेतां च काम करवाना, बड़ा तगड़ा शरीर सी बाबा जी दा, बहुत उच्चे लंबे सात संग, तगड़ा शरीर सी बाबा जी दा, बड़ा सोहना शरीर निकलिया, चढ़दी जवानी सी सात संग। उधर कौतक वरत गया 1699 दी विसाखी, 1699 दी विसाखी धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसा साजना कर दिता जी। खंडे दी पोल विचों खालसे दा जन्म होया। दूर दूर तक खबरां फैल गईयां कि पातशाह ने विसाखी दे विच खालसा साजे, अमृत तैयार कीता। जिहड़ा वो अमृत पींदा है गिदड़ां तो शेर हो जांदा है, ताकत आ जांदी है। एक
ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਅੰਦਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਣ ਲੱਗੀਆਂ 1699 ਦੀ ਗੱਲ। ਇੱਧਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 17-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਲਗਭਗ ਲਗਭਗ। ਜਦੋਂ ਸਾਸਕ ਅਗਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਆਈ ਤੇ ਪਹੁ ਵਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਬਈ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਬਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਸਕ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਂ, ਕਦੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਲਗਭਗ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੇਲ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, 18-19 ਸਾਲ ਦੀ। ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜਿਉਣੀ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਲ ਮੇਰੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਜੋ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਦੀਪਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਦੀਪਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦੀਪ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਦੀਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਦੀਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਨਾ ਦੀਪਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਦੀਪ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਹਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿੰਘ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਜੀਵਣੀ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਜੀ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੱਕ ਵੇਖੀ ਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲਾ, ਵੇਖੀ ਜਾ ਵੇਖੀ ਜਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਸੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁੱਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਰਹੀ, ਮੱਤ ਮੇ ਨਾ ਮੱਤ ਹੈ, ਵਿਸਰ ਗਈ ਮੱਤ ਬੁੱਧ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਰੱਖਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਚਰਨ ਚੁੰਮ ਲਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤਗੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਤਗੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੋਹਣੀ ਜਵਾਨੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੀਪ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਦੀਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੁਸਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜੀ ਕਹਿ ਦੇ, ਅੱਗੋਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਹੀ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੀ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲਈ। ਇਹ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੜੱਪਣ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ, ਆਏ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੇ ਜਥੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਮਾਤਾ ਜਿਉਣੀ ਜੀ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੀਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਦੀਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
तन 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 जन आया, तन जन आया, तन 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 जन आया, तन 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 जन आया, तन जन जिस प्रसाद सब जगत तराया, जिस प्रसाद सब जगत तराया, जगत उधारन साध प्रभ तिन ला गोपाल, उधारन साध प्रभ तिन ला गोपाल, जगत उधारन साध प्रभ तिन ला गोपाल, जगत उधारन केंद्र जगत उदाहरण साध प्रभ ध्यान सुनी जगत उदाहरण साध तिन लागोपाल अरदास की महाराज के चरणा सचे पातशाह मैनू उन्हां दे पल्ले ला दे आखो सतनाम एक गुरु ज्ञान दे रहे ने केंद्र जगत उदाहरण जेड़ा जगत नू उदाहरण वास्ते प्रभु ने अपने साध भेजे ने अरदास कर कि हे वाहेगुरु मैनू पल्ले ला दे उन्हां दे तिन लागो पाल पल्ले ला दे अरदास करिए आपां ते अगे की कहिंदे साहिब मोको दीजै दान प्रभ मोको दीजै दान प्रभ मोको दीजै दान प्रभ मोको दीजै दान प्रभ संतन पग राल संतन पग राल पग कहिंदे ने पैरां नूं ते राल कहिंदे ने धूड़ी नूं पैरां दी धूड़ी चरणां दी धूड़ी कई कहिंदे ने जी संत इदां खाली शब्द गुरु शब्द गुरु ओ जिस शब्द गुरु नूं मत्थे पे टेकदे हो ओही शब्द गुरु कहिंदे ने तिन लागो पाल ओही शब्द गुरु कहिंदे ने मोको दीजे दान प्रभ संतन पग राल संतन बहुवचन है जी पग राल संतां दी धूड़ी मैनू दे दे आखो सतनाम मोको दीजे दान प्रभ संतन पग राल मोको दीजे तन 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 जन आया तन जन आया तन 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 जन आया तन जन आया तन 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 जन बाबा दीप सिंह जी ने अगले दिन अमृत छकिया जी नाम दीप सिंह हो गया कुछ समा इत्थे रहे आनंदपुर साहब और रोज वेखदे पए ने सिंघां दे करतर सिंघां दी रोज दी रूटीन रोजाना अमृत वेले उठना तारियां दी छां च
इशनान करके बाणी दा जाप करना, फिर दरबार च आना, दरबार दियां हाजरियां भरनियां, दिन वेले सेवा दे विच जुड़ना, शामां नूं फिर करतब होने, घुड़सवारी, नेजेबाजी, तलवारबाजी, तीर बाजी, साध संगत अभ्यास होने, महाराज ने आपस दे घोल कराने, ये सारे दृश्य बाबा दीप सिंह जी वेख रहे और मन खिड़दा जा रहा है, चाओ जा रहा है, उत्साह बढ़ता जा रहा है, अखां दे नाल वेख रहे ने, जवानियां भेट हो रही ने धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणों के विच, आखो सतनाम। नौजवानियां घर बार छड़ के आपा समर्पित कर दिता गुरु नू, गुरु लई हो गए, आखो सतनाम। दिहाड़ा आ गया कि जदों हुण पौवेंड दी संगत ने वापस जाना सी, सारिया ने तैयारियां कर लिया। बाबा दीप सिंह जी ने माता पिता जी दे अगे बेनती की थी कि मेरा मन करता है माता जी मैं भी इस घर जोगा हो जा, बाजां वाले दे चरना जोगा हो जा, कृपा करो मैनू आग्या दे दियो, तुसी घर चले जाओ मैनू आग्या दे दियो, तुहाडी खुशी पहले, इकलौते पुत्र सन, कहिंदे तुहाडी खुशी पहले है, जे तुहाडियां खुशियां होण ते मैं बाजां वाले दियां खुशियां लै लवां, आखो सतनाम। देखो कल्ली औलाद होवे मां बाप वास्ते थोड़ा जिहा औखा, पर मन खिड़ गया मेरे बच्चिया, जे बाजां वाले दी खुशी खातर रुकना ही, इस तो वड्डी बात की होनी है, आखो सतनाम। इस तो वड्डी बात की हो, साडी आ गया है, साडी खुशी है। अगले दिन संगत विदायगी लै रही, बाबा दीप सिंह जी चरणा दे खड़े ने धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे, पातशाह गरीब निवाज, मैं माता जी को पिता जी को आग्या ले ली है, मैं घर नहीं जाना, मैं तुहाडे चरणा विच ही सेवा करनी है, को सतना सत श्री अकाल, मैं तुहाडे चरणा विच ही सेवा करनी। महाराज बड़े खुश हुए, कहिंदे सिंघा तेरा नां की, तेरा नां की, कहिंदे जी दीप सिंह। महाराज कहिंदे कईयां दे दीप जलाने ने, तू आखो सतनाम, कईयां दे दीप जलाने ने, कई बुझियां नूं तू रोशन करना है, इजाजत है तेनूं, क्योंकि शरीर बहुत तगड़ा सी जी बाबा जी, उच्चा कद काठ सी, उस वेले जवानियां भेट हो रही सन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, बाबा दीप सिंह जी चाओ चाओ दे विच इत्थे रुक गए। हुण ध्यान नाल सुनना, महाराज ने सात संगत शस्त्र ते शास्त्र ये दोनों का बड़ा तगड़ा प्रबंध किया सी अपने सिखां वास्ते, शस्त्र विद्या भी ते शास्त्र विद्या भी, शस्त्र विद्या वास्ते बड़े तगड़े तगड़े जरनैल साध संगत, बड़े तगड़े कोच, अपना इंग्लिश अज के समय के लफ्ज बोल दिए कोच रखे हुए सन, जिहड़े बड़े तुनंदर अपने फील्ड के जिहड़े सिक्ख्या देंदे सन, घुड़सवारी, नेजेबाजी, तलवार, तीरअंदाजी ते साध संगत बंदूक के निशाने, इहदे वास्ते बड़े तगड़े उस्ताद रखे सन, ते सिंह पूरी ट्रेनिंग लै रहे सन, बाबा दीप सिंह जी भी इत्थे सिखलाई लै रहे सन। यह तो हो गई शस्त्र ट्रेनिंग, उधर शास्त्र ट्रेनिंग, महाराज ने कई भाषावां दे ज्ञानवान साध संगत जी, मास्टर कह लो,
अपना उस्ताद कह लो रखे हुए सन, जिहड़े सिंघां नूं साध संगत बोलियां मतलब वखरियां वखरियां लैंग्वेजिस सिखाउंदे सन, जिहदे विच पंजाबी, हिंदी, अरबी, संस्कृत ते अपना फारसी। साध संगत जी ये पंज बोलियां, होर भी बोलियां साध संगत, ये गुरु ने सच्चे पातशाह ने अपने सिखां वास्ते उस्ताद रखे हुए। बाबा दीप सिंह जी हर बोली दे विच साध संगत जी परफेक्ट हो रहे सन, पंजाबी विच भी, हिंदी विच भी, अरबी विच भी, फारसी विच भी, संस्कृत विच भी विद्वान होंदे जा रहे सन। बाबा जी की लिखाई बड़ी बड़ी जबरदस्त, बड़ी सोहनी लिखाई सी, बाबा जी की लिखाई बहुत प्यारी सी। बाबा जी रोजाना करतब होने, रोजाना करतब होने, शरीर की कसरत होनी, बहुत साध संगत मतलब इत्थे जंगी पद्धर का काम चल रहा है। एक वारी का जिक्र है, महाराज सिंघां दे नाल जा रहे, बाबा दीप सिंह जी के जीवन के विचों जो झलकियां मिलिया ने आप जी के चरणों के सांझियां कर रहा था, ते जदों काफले नाल जा रहे ते बाबा दीप सिंह जी भी नाल सन। इन्ने तगड़े करतब ये करते सन साध संगत, इन्ना बाहूबल सी, इन्नी हत्थां च जान सी साध संगत, मतलब अगे दी अगे होके आ रहे सन, अगे दी अगे होके। ते महाराज ने बाबा अपने मुखी सिंघां दे च रख लिया सी, मुखी सिंघां च कुछ सिंघ होंदे सन जी थोड़ी जी दूरी ते फिर थोड़ी दूरी ते, एक जिवें महाराज दे अंग रखे के होंदे सन हजूरी सिंघ जिहनूं कह लो, मतलब बिल्कुल नेड़े दे सिंघां दे विच बाबा दीप सिंह जी नूं स्थान मिल गया सी, बड़े नेड़े दे, बड़ा नेड़े होके सच्चे पातशाह दी सेवा करदे सन बाबा दीप सिंह जी, और डे बाई डे नेड़े होंदे जा रहे सन। जदों शिकार ते गए बाबा दीप सिंह जी नूं भी महाराज लै गए, कहिंदे दीप सिंह नाल जा। हुण जदों घोड़े ते सवार सारे जांदे फिर ते जिक्र आंदा है साध संगत अगे आदम खोर शेर, जदों शेर वेख्या घोड़े रोकते जी सारे, हुण शेर इन्हां वल मुख करके ते हाओ भाओ सी कि हुणे अटैक करेगा, हमला करेगा। बाबा दीप सिंह ने बड़ी फुरती च छाल मारी घोड़े तो, ते साध संगत अगे आके खड़े हो गए, अगे आ गए महाराज घोड़े ते बैठे ने वेख रहे ने, अगे आके मतलब कल्ले ही खड़े हो गए शेर दे। हुण जदों शेर ने वेख्या कि बई चार छपेरे बई आ बंदे खड़े ने, उन्हां लई तां साध शेर शेर वास्ते तां हमलावर ही है ना सारे, उन्हूं हुण भजण दा रस्ता ना मिलिया, अटैक ही एक रस्ता रह गया। ते जदों सिंघां ने घेरा पाया ना अपना शेर नूं, ते महाराज ने कहा कहिंदे ना बई ना, ये जंगल दे शेर दे नाल साडा शेर लड़ेगा, आखो सतनाम। दीप सिंह लड़ेगा साडा शेर, आखो सतनाम। कल्ला लड़ेगा, दीप सिंह तैयार है जी पातशाह, सिर ते हाथ रखो महाराज, सिर ते हाथ रखे सामने ऐन अखां नाल अखां पा के सासन ओ आदमखोर शेर, अखां नाल अखां पा के बाबा दीप सिंह जी ओदे सामने खड़े ने, हमला कीता उन्हें, बड़ा जबरदस्त हमला सी, ढाल ते पंजा रोकिया बाबा दीप सिंह जी, ते सज्जे हाथ दे नाल ओ वार कीता कि इक्को वार दे विच शेर नूं चित करके रखदा हो सतनाम। सारिया ने जकारे गजाए, बाबा दीप सिंह जी महाराज के चरणों ते मत्था टेकिया, महाराज घोड़े ते विराजमान ने, दीप सिंह कमाल करती है, ऐसा वार कीते ही कमाल करती है सचे पातशाह, सारिया कमालां तुहाडियां ने, सारिया वेरां तुहाडियां ने, बल तुसी दिता, उत्तम तुसी दिता, फुरती तुसी दिती, नहीं तां दीप सिंह कख जोगा नहीं, आखो सतनाम। सच जे यही सोच सिखदी चाहीदी, ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਤਨੀ ਤੌਫੀਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧ ਬਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ
तन जन आया, तन जन आया, तन तन दीप सिंह जी बाबा 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 आप तरिया कुल जगत तराया आप तरिया कुल जगत तराया आप तरिया कुल जगत तराया तन जने दी माया तन जने दी माया तन जने दी माया तन जने दी माया आप तरिया कुल जगत तराया आप तरिया कुल जगत तराया आप तरिया कुल जगत तराया आप तरिया बाबा दीप सिंह जी बाबा दीप सिंह जी बाबा दीप सिंह जी बाबा दीप सिंह जी ये पंक्तियां टुकदियां ने सास टुकदियां आप तरिया कुल जगत तराया वाह वाह कुल जगत तराया आप तो तरे तरे ने कुल कायनात नू सारी कायनात नू तारन जोगे हो गए ने आखो सतनाम भगत दे विच इन्नी ताकत होंदी कुल जगत तराया ये तुहानू गुरु ग्रंथ साहब महाराज कह रहे ने कुल जगत तराया फिर कहिंदे धन जने दी माया तन ओदी मां तन ओदी जननी जेड़ा आप तरिया तरिया ते कुल जगत नू तारण दे समरथ निरंकार ने जिन्नू बनाता साहिब कहिंदे तन जने दी माया माया तन जने दी माया वाहे तन जने दी माया तन जने दी माया तन 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 जन आया तन जन आया तन तन दास थोड़ा जा संखेप करता जावे जी क्योंकि समा समाप्ति वाले पासे आ रहा आनंदपुर नूं घेरा पै गया आनंदपुर नूं घेरा पिया ते जो इतिहास लिखदा है तकरीबन 7 महीने तो उपर दा घेरा सी सोआं खादियां गईयां कुरान शरीफ दियां गऊ दियां बाद च धोखा हो गया बाबा दीप सिंह जी ते भाई मनी सिंह जी इन्हां दी सेवा लगी ते कुछ नाल सिंह सेवा की लगी जी माता सुंदरी जी ते माता साहिब कौर जी दोनों मातावां नूं सुरक्षित दिल्ली पहुंचा डोले तैयार कर ले गए सतसंगत तुरदियां तुरदियां पड़ा दर पड़ा करदियां बाबा दीप सिंह जी भाई मनी सिंह जी होर सिंह दिल्ली पहुंचे इधर सारा साका वरत्या चमकौर की गढ़ी का सरहंद का सारा साका वरत गया
उधर काफी समा जदों सात संगत सतगुरां दी कोई खबर नहीं आई भी कित्थे ने की हो रहा है, पंजाब दे च की चल रहा है। बाबा दीप सिंह जी नूं सात संगत सारिआं नूं फिकर सी, बहुत ज्यादा फिकर सी। बाबा दीप सिंह जी ने हाथ जोड़े माता जी दे अगे, माता सुंदरी जी दे अगे, माता साहिब जी दे अगे, कहिंदे माता जी जे आप जी आग्या दिओ, काफी समा इत्थे हो गया। एक तां पौविंड अपने पिंड मैं होवां, ते एक रस्ते दे विच जांदिआं जांदिआं नूं महाराज दी कोई खबर जिवें ही मिलदी है, मैं जद्दे ही फुरती दे तुहाडे कोल आ के खबर वी दे दिआं। जे आप जी दी आग्या है, माता जी कहिंदे आग्या है, कोई खबर मिली ते पहुंचायो, नहीं तां पौविंड ही टिकणा, उत्थे ही टिकणा जी। माता सत बड़ी फुरती दे विच सात संगत बाबा दीप सिंह जी पौविंड पहुंच गए। खबर सार कुछ नहीं पता लगा। हुण पौविंड दे विच जदों पहुंचे ने सात संगत, इत्थे पता लगदा पिया। जदों पता लग्या साका चमकौर साका सरहंद, अंदरों रूह हिल गई, कंब गए और महाराज के चरणों च बेनती करन लगे। गरीब निवाज दीप सिंह नूं तुसी अपने तो अलग कर दिता, भी मैनू शहीदी का मौका कालू नहीं दिता, नेत्र भिजे हुए। जदों पौविंड ने ते कुछ समय बाद महाराज उधर दमदमा साहब हुण सात संगत टिके हुए, भाई मनी सिंह जी उधर नाल पहुंचे हुए, सात संगत होर सारे सिंह उत्थे ने, ते महाराज ने धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का हुण सात संगत सरूप लिखवाने सन, ते चोण कीती धन धन भाई मनी सिंह जी ते धन धन बाबा दीप सिंह जी, क्योंकि इन्हां दी लिखाई बड़ी सोहणी सी, कमाई भी सी। सिंह नूं भेजिया साबो की तलवंडी दमदमा साहब तों पौविंड कि जाओ जल्दी जाओ और जल्दी दीप सिंह जी नूं लैके आओ, कहो असीं याद कीता है। जदों सिंह पहुंचिया सात संगत उधर, बाबा दीप सिंह जी सेवा दे विच लगे हुए ने, खलकत दी सेवा दे विच, सिमरन दे विच जो ड्यूटियां सतगुरु जी ने कदे लाइयां ते ओह भुगता रहे। जदों ये सिंह आया ते सिंह दे दर्शन कीते, बाबा दीप सिंह जी ने हाथ जोड़े, कहिंदे प्यारे हो कित्थों आए हो, कहिंदे जी दमदमा साहब तो, ते आप जी नूं धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह ने याद कीता है। आखो सतनाम, जां पातशाह दा नाम सुनिया धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज याद कीता, कित्थे ने की समाचार सारा, जो कहिंदे हाले पुछण सुणन दा कोई समा नहीं, जल्दी करो महाराज ने तुहानूं याद कीता। सात संगत घोड़े ते सवार होए, अड्डी मारी घोड़े नूं ते सात संगत तुर पए, जां महाराज दे चरणां च पहुंचे ते चरण धो के रख दिते, विरलाप करन लगे महाराज दे नाल। गरीब निवाज दीप सिंह नूं बगाना करता, तुसीं दीप सिंह नूं बगाना करता। गरीब निवाज कहते दीप सिंह हाले तेरे को बड़िया वड्डिया वड्डिया सेवावां लैणियां ने। आखो सतनाम, क्यों घबराउंदे, अगे समा बहुत भयानक आ रहा है, बड़िया वड्डिया वड्डिया तेरे को सेवावां लैणियां ने, तुखला ना कर मन दे विच जी पातशाह सत है। फिर सात संगत जी धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी बाणी महाराज ने लिखवाणी शुरू की। पहले धीर मलियां कोल भेजिया, महाराज का स्वरूप गुरु ग्रंथ साहब महाराज का स्वरूप उन्होंने कोल पिया सी, ते धीर मलियां ने कहा, धीर मलियां ने भई जे तुहाडे गुरु पूरे ने ते आपे बाणी रच लैण, जे गुरगद्दी दे उत्तराधिकारी ने गुरु नानक ने, तुसीं कहिंदे दसवें गुरु नानक ने, ते गुरु नानक दी बाणी उन्हां नूं पता नहीं,
ਇਦਾਂ ਜਾਂ ਮਹਿਣਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਆਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਧੀਰ ਮਲੀਆ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਆਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉੱਧਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਦਸ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਕਰੇ ਦੋ ਸਵਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਾਂਦੇੜ ਜਾਂਦਿਆਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਤ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਬੋ ਕਤਲਵੰਡੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਡਟੇ ਹੋਏ ਦਿਨ ਰਾਤ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਚਲੀਏ ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਧੰਨ ਜਨ ਆਇਆ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ 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 ਬਾਬਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਜਾਣ ਦਾ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇਤਰ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਐਡੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰਕ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਆਤਮਕ ਮੇਲ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ ਐਡੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰਕ ਮੇਲ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੱਖਣ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਆ ਸੇਵਕ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਿਭਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਣੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣੀ ਬੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਪ ਸਿਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਲਵਾਂਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਨ
महाराज ने असीस दिती अगे ना देड़ चले गए। इधर बाबा दीप सिंह जी सात संगत तगड़े हो गए, तगड़े हो गए, जो सेवावां झोली च पाईआं महाराज ने वह सेवा च तत्पर हो गए। इत्थे ही दमदमा साहब ही बाबा दीप सिंह जी ने चार धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे सरूप आप लिखे और चारे तख्तां दे विच उस रूप पहुंचाए और तुहानू जान के हैरानी होएगी तकरीबन तकरीबन 11 साल इस कारज नूं लगे ने। 11 साल तुसीं सोचो वो कैसे सात संगत लाडले बाजां वाले दे कैसे महापुरख होणगे, मेरा बोल देना किन्ना सौखा, तुहाडा सुन लेना किन्ना सौखा। 11 साल जदों बाबा दीप सिंह जी ने शब्द लिखना ना, पहले उस शब्द नूं पढ़ना, फिर उस शब्द नूं लिखना, फिर लिखण तो बाद फिर उन्हूं पढ़ना, आखो सब एक एक शब्द नूं तीन तीन बार, ते किन्ना अभ्यास, किन्ना अभ्यास शब्द का, किन्ना अभ्यास वो तो शब्द का रूप हो गए। आखो सतना कितनी कमाई, हर वेले जिदा ध्यान, हर वेले जिदा ध्यान बाणी दे विच शब्द दे विच, वो तो शब्द का रूप हो गए, बाणी का रूप हो गए, इन्नी कमाई, इन्ना इन्ना जप तप, किन्ने किन्ने जपजी साहब दे पाठ, पंज ग्रंथी, दस ग्रंथी, जितना समा फिर निकलना एक्सट्रा, ते फिर वो साध संगत हर वेले सिर सुट के बाणी लिखते रहते, लिखते रहते, लिखते रहते। तुसी सोचो अपा एक साल, खाली एक साल लगातार धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज का पाठ करते रही, एक साल लगातार, अवस्था कितने की कितने पहुंच जाएगी। शब्द वरतदा जी, शब्द वरतदा, शब्द अपनी कला विखांदा है, शब्द ताकत देंदा है अंदर नूं, शब्द अंदर नूं रंगदा है। आखो सतनाम, गुरु का शब्द ही वरतदा है सात संगत। 11 साल कोई छोटी, तकरीबन तकरीबन 11 साल कोई छोटी बात नहीं, कमाइयां वध रही ने, बंदगी वध रही है, जालो जलाल पूरा सात संगत बाबा दीप सिंह जी का, समा तुरदा जा रहा है। महाराज जी पांच भूतक शरीर, खाली शरीर की मैं गल कर रहा, पांच भूतक शरीर संसार को इधरों नाल चले गए, पांच भूतक शरीर महाराज का संसार को चला गया। हुण समा अपनी रफ्तार दे चलदा पिया, बाबा दीप सिंह जी ने पंथ नूं इकट्ठा करके रखिया, और बाबा दीप सिंह जी का बड़ा सत्कार, ज्यों ज्यों उम्र वधदी जा रही थी बाबा दीप सिंह जी की, बहुत सत्कार, बहुत ज्यादा सत्कार। इधर जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर, हाले महाराज जी हाले सुशोभित ने, बंदा सिंह बहादुर नूं भेजिया, ध्यान सुनना, महाराज ने नंदेड़ तो बंदा सिंह बहादुर नूं पंज तीर दे के, नगारा दे के, होर अपने शस्त्र दे के सात संगत इधर सरहंद वाले पासे भेजे। ते जदों सरहंद की जंग होई सी, ते बाबा दीप सिंह जी नूं पता लगा सी सात संगत की बाबा बंदा सिंह जी बहादुर वो गुरु गोबिंद सिंह जी का थापड़ा लैके, असीस लैके पंजाब वल आए ने, ते बाबा दीप सिंह जी भी अपना जत्था लैके बाबा बंदा सिंह जी दे नाल जाके ले। आखो सतनाम, ये दोनों महापुरखां ने फिर सात संगत ओ आहू लाए वजीर खां दे, इट नाल इट खड़का के रख दी, इट नाल इट खड़का के रख दी सरहंद दी। उस जंग दे विच बाबा दीप सिंह जी भी शामिल सन, बाबा दीप सिंह जी। समा तुरदा गया, काफी बाबा जी का सत्कार, काफी बाबा जी का माण सिख संगतां दे च होण लगा जी, सिख संगतां दे च होण लगा।
आओ पहले रस ले लीए नाल नाल। तन 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 जन आया, तन जन आया, तन 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 जन आया, तन जन आया। बोलो जी तन 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 जन आया, जन आया। बोलो तन 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 जन आया। बाबा दीप सिंह जी दे प्यार दे विच बैठे हो कर्मा वाले हो, अकीदे च बैठे हो, प्यार च बैठे हो कि जदों उठिए तन बाजां वाले माही झोलियां भर के भेजण। पता है क्यों? कि अज मेरे लाडले दी सिफतां च बैठे सी। आखो सतना बाजां वाले झोलियां भर के भेजण मेरे लाडले दी, धन धन बाबा दीप सिंह जी दी सिफतां च बैठी मेरी संगत। वाह वाह, अगे वधीए जी। अहमद शाह अबदाली का हमला होया हिंदुस्तान दे उत्ते, रोंददा होया अगे वधदा गया वधदा गया वधदा गया ते सिद्धा दिल्ली जा पड़िया। ये पता नहीं किन्नी वारी साध संगत लुट मचांदा सी, खूब लुटदा सी। इस वारी जदों आया ना पूरे लौ लश्कर दे नाल, इहदे नाल तैमूर खान भी, पूरा तंक मचाया इन्हां ने। मतलब कुछ नहीं छड़िया दिल्ली दे, कुछ नहीं छड़ी, कई जाना दा नुकसान किया। आपां कहिंदे जान माल दा नुकसान, जाना दा नुकसान किया, बड़ा माल लुटिया इन्हां ने, बहुत सोना चांदी शर्फियां जो कुछ मिले सब लुटिया। मतलब खुल के लुटपात मचाई, ते उथे दियां बहु बेटियां नू सास संगत इन्हां ने बंदी बना लिया। बंदी बना के पिंजरे जी डकिया, ते डक के सास संगत जी नाल काबल वाल लैके चलन लगे। हुण ये सारे पठान साध संगत, मतलब पूरा लाहो लश्कर इन्हों का, बच्चियां नू इन्हां ने साध संगत जी बंदी बनाया होया, बीबियां नू बंदी बनाया, हिंदुस्तान की अजमत नू लुट के लैके जा रहे। दिल्ली की हिक ते चढ़ के आए, पूरा लुट पाट मताया इन्हों ने, हिंदुस्तान नू लुट के लैके जा रहे। इधर साध संगत पंजाब वाल सिखां नू जदों पता लगा, सिंघां नू बाबा दीप सिंह, बाबा दीप सिंह कहिंदे हुण नहीं जाण देणा, हुण इदां सुक्का ने इहनां नू जाण देणा, वी जिहड़ा इह लुट लट के लियाए ने नाले पुन ते नाले फलीआं। पुन की जिहड़ियां इह बीबियां साडी अजमत हिंदुस्तान की अजमत लुट के लैके जा रहे ने, इह बीबियां जिहड़ियां साडे देश तों लैके उन्हां नू छड़ा के घरों घरी पहुंचाना, ये पुन ये फलियां जिहड़ा ये लुटदा समान इन्हां कोलों लुटना। आखो सत नाम, इन्हां कोलों लुटना, ये लुटेरियां कोलों लुटना। ते साध संगत व्योंत बना ली गई, बड़ा जबरदस्त लुकमा हमला होया इन्हां दे उपर। दास हूं बिल्कुल छोटी गल करदा क्योंकि समाप्ति वाला आवे, बड़ी मुश्किल दे नाल ये जान बजा के भजे साध संगत। अबदाली की जिहड़ी सेना, ए तैमूर होर जितने साध संगत भजे, बड़े कतल भी होए इन्हां दे, जितने गड्ढे ये लैके जा रहे सन सारे गड्ढे जिहड़े मतलब कीमती समाना दे नाल चीज़ां दे नाल भरे होए वह भी लुटे। जिहड़ियां बीबियां कैद विच वह भी साध संगत छुड़ाइयां,
सारा कुछ ये छुड़ा के साथ संगत जदों सिख इधर उधर तीतर बीतर हो गए ये वेखते ही रह गए आए कितना अनेरी वांग ते तूफाना वांग निकल भी गए कितरों आए कितर गए की कितना सोचने का समय ही नहीं फिर एक बारी हमला नहीं किया मतलब लाहौर तक जांदिया जांदिया नू कई बारी छापे मारे नक च दम करता साथ संगत अहमद शाह अब्दाली सुख तो इन्हें सह लिया जदों लाहौर पहुंचे लाहौर पहुंचिया तो लाहौर जाके कह लगा कहते है वो सोचने लगा कि तेरे लुटेरे से भी लुटेरिया ने लुट मचाई इन्हों पता लग गया कहते लुटेरे नहीं ने यह सिख सिख किख हाँ इन्हों के गुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इन्हों आबे हयात अमृत छकाया और ऐसा अमृत छकाया कि ये कई कई कला कला सिंह भारू हो जाए पता नहीं कितों जोश लिया दूजा बोलिया कहते जी इन्हों को दो आबे हयात ने एक वो आबे हयात जिहड़ा इन्हों के गुरु ने पिलाया दूजा आबे हयात कहते अमृतसर साहब कहते एक ताल है इन्हू अब्दाली दसते पे ने अहमद शाह अब्दाली दसते पे कि जी एक ताल है जिन्हों ये अमृत सरोवर कहें वो आबे हयात ताल है जिथों ये जल छकते ने तो इन्हों ताकत आती है को साधना ताकत ताकत आवे भी क्यों ना जिथे चौबी घंटे बाणी चलती हो आखो सतना वो जल एक दवाई बन गई है अंदरले रोग भी खत्म कर दी ते बारले रोग भी खत्म करन दी ताकत है उस जल दे विच दवाई पर गल भावना दी है जे भावना नहीं है ना फिर तुहाडे लई ओ जल जल ही है आम पानी है जे भावना नहीं थी जे भावना है फिर कई रोगों की वह दवाई है को सतना वो जल हुण सतसंग तैमूर अहमद शाह अब्दाली ने इधर का सूबेदार थाप दिता जी तैमूर लाहौर का सूबेदार थाप इनू क्या कहते हुण तू देख मैनू इन्हों के उपर तू नथ पा मैनू काबू चाहिए ने जिन्हां ने सानू लुट लिया जिन्हां ने सानू लुट एडी चुन ते तुरन लग्या अहमद शाह तैमूर नू कहिंदा कहिंदे ध्यान रखी अपना भी ध्यान रखी अपनी सेना का भी ध्यान रखी कुछ तो गल जरूर होएगी इन्हां दे विच ओ जिहड़ा सानू लुट के लै गए कुछ तो जरूर गल होएगी आखो सतनाम थोड़ा ध्यान रखी हुण जदों अहमद शाह चला गया ये रुकिया ही नहीं जी रुकिया ही नहीं डर दे मारे मतलब जल्दी तो जल्दी ने लाहौर खाली करता ते पहुंच गया अपने देश हुण इधर व्योतबंदी हो रही है करिए किवें करी उन्होंने कहा जी सरोवर साहब पूरता जाए आबे हयात का जिहड़ा ताल है इहनूं पूरता जाए जहान खान की यह ड्यूटी लगी कि तू फौजा लै जा ते सरोवर साहब नूं पूर सत संगत जहान खान फिर फौजा लै गया तकरीबन सब नूं ये इतिहास पता है पर दस खाली लंघा के एक हाजरी लगा रहा जदों सरोवर साहब पूरिया गया हाहाकार मच गई जी हाहाकार सिखां ने रोकण की कोशिश की पर थोड़ी तादाद दे विच होण करके बड़ा कतलेआम भी होया पर मकसद दे विच कामयाब हो गया जहान खान मकसद कामयाब हो अग वांग खबर फैल गई अग वांग खबर फैली एक खबर पहुंची जी बाबा दीप सिंह जी को जदों बाबा दीप सिंह जी को खबर पहुंची बाबा जी भोरे दे विच सात संगत बंदगी कर रहे सी तुसी जायो बाबा दीप सिंह जी का भोरा है दमदमा साहब गुरद्वारा दमदमा साहब सात संगत जी नीचे भोरा है बाबा जी का दो मटके रखे हुए ने घड़े एक घड़े च छोले पाते सन एक घड़े च पानी जदों भुख लगनी तो बुक छोलियां दी भर के मुख नूं ते पानी पी लेना बस वो संतोख रज के भगती रज के भगती
इस वेले बाबा जी की उम्र लगभग लगभग 75 साल है और बाबा जी का बहुत ज्यादा सत्कार है क्योंकि इस वेले जिहड़े सिंह उन्हां विचों तकरीबन तकरीबन बहुत घट ऐसे सन जिन्होंने प्रतख गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की संगत की सी। आखो सतनाम। इस करके बाबा दीप सिंह का सत्कार इस करके भी बहुत ज्यादा सी कि यह गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह जी के लाडले रहे। इस करके भी सारिया सिख संगत बहुत सत्कार बाबा जी का कर दी सी, मंदियां सन बाबा जी का बचा। क्या कमाल की खेड है सास साहब। बाजां वाले माही जान किदे कोलों की करवा देन, सात संगत कुछ भी सतगुर करवा सकते। देखो चढ़ती जवानी की उम्र सी ते मेरे सतगुर जी ने बाबा जी पासों लिखण भगती की सेवा ली। आखो सतनाम। चढ़ती जवानी की उम्र है ते लिखण की सेवा लै रहे, बाणी लिखण की सेवा ते ढलती उम्र आ रही है हुण हाथ च खंडा फड़ाता महाराज ने। आखो सतनाम। आम तौर पर की होंदा जवानी च बंदा खंडा खुंडा चलांदा ते बुढ़ापे च आ के फिर बह जांदा टिक के दे लिखना शुरू कर दिंदा। ये तो खेड़ ही निराली है, भगतां की चाल निराली, चाला निराली, भगतां केरी पिखम मार्ग। जवानी भर जवानी की उम्र ते बाबा जी लिखण की सेवा कर रहे ने ते जदों साधक ढलदी उम्र आई वो 75 साल दे बजुर्ग नहीं 75 साल दे जवान। आखो सतनाम। हुण उन्होंने 75 साल च सास खंडा वाले जदों बाबा जी अंदर ने बाहर आए सिंघां ने दसिया महाराज इदां गल बन गई, अखां लाल हो गई, डोले फड़कण लगे, खून उबाला मारन लगा। जो जिक्र च लिखिया उस वेले बाबा जी दे नाल तकरीबन तकरीबन 8 को शरीर 8-10 शरीर सास उस बाबा जी ने सात संगत अरदास की। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी अगे अरदास की, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज अगे अरदास की, सचे पातशाह हरिमंदर साहब की बेदबी हुई गरीब निवाज कृपा करो तुहाडा सेवक तुहाडा बच्चा तुहाडी असीस लेके जा रहा। सेवा आप जी ने पूरी मुकम्मल करवानी। आखो सतनाम। जिहड़ी दूजी अरदास सी ओह तरन तारण साहब की सी, जदों अगे जाके लकीर की सी। इधर पहले दमदमा साहब एक अरदास की सी, अरदास करके 8-10 दा जत्था सीगा तुर पे और अगे सात संगत नगारे वजांदे जा रहे, आवाजां जा रही, स्नेह पहुंच गए सारियां तक। 2-4 सिंह दौड़ाते भई जिन्हें हुण हरिमंदर साहब आजाद कराण लई सीधी गल की जी शहीदियां प्राप्त करनी है, जवानी देनी, गुरु रामदास महाराज के चरणों में जिन्हें समर्पित होना है भी तैयारी कर। इन्ना जोश भरिया होया सी सारियां दे अंदर, इन्ना जोश और इन्ना रोस सी, सात संगत नहीं देखिया कोई बजुर्ग, नहीं देखिया कोई बच्चा, बच्चे ने भी सात संगत तैयारी कर ली, बच्चिया ने, बुजुर्गों ने भी तैयारी कर ली, जवानों ने भी तैयारी कर ली। कोई विरला रहा होएगा किसी पिंड विचों सात संगत तैयारी पे तैयार, तैयार पे कहां देगा, काफले बढ़ते जा रहे, शिदी काफले बढ़ते जा रहे, तुरे पे सारे चलदिया चलदिया सात संगत तरन तारण साहब इत्थे पहुंचे। इत्थे फिर अरदास कीती बाबा दीप सिंह जी ने और देखो अरदास कीती गरीब निवाज मेहर करी तेरा सेवक चलिया है। सच्चा पातशाह सिर ते हाथ रखना जब तक हरिमंदर साहब आजाद ना करवा लवा सचे पातशाह मौत नेड़े ना आवे। अख सतना मौत नेड़े ना, जब तक हरिमंदर साहब आजाद ना हो जावे गरीब नवाज तेरे चरणों में बेनती है सचे पातशाह मौत नेड़े ना आवे। अरदास कीती
प्रण कर लिया कि उदों तक मरना नहीं, उदों तक शहीदियां नहीं प्राप्त करनिया जद तक हरिमंदर साहब आजाद ना हो जाए। किड्डी भावना सा संगत, तकरीबन 75 साल की उम्र, ऐसे महापुरख बाहर निकले। थोड़ी जी अगे जाके सात संगत हुण लकीर साहब गुरद्वारा है, उत्थे लकीर खिंचदे, लकीर खिंचदी, कहिंदे भाई जिन्हें शहीदियां देनियां, ये नहीं किया भी जिन्हें जंग करनी, जिन्हें आ सीधा जिन्हें मौत व्याण जाना है, मौत लाड़ी लकीर कप, ते जिन्हां नूं घरां दी याद आ रही वापस मुड़ गए, जिन्हें शहीदियां पाउणियां ने लकीर टप जे, इतिहास लिखदा है एक शरीर भी नहीं रुकिया, सारे सारे लकीर टप गए, उत्साह बनिया आया पूरा जोश में, पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस ही छड़ती जीवन दी, हरिमंदर साहब जिंद है सिख दी, हरिमंदर साहब जान है सिख दी, जिथों रूहानियत मिलती है सात संगत रूहानियत मिलती है। और यकीन जानना मेरी तो अपनी फीलिंग है, बाकी किसी की फीलिंग है कि तुसी दरबार साहब अंदर खाली पैर ही रखना, सात संगत पैर ही रखना, एन बंदा ना जिवें कनैक्ट हो जाता है, कनैक्ट हो जाता है, ओरा ही एडा वाइब्रेशंस एडियां ने सात संगत जी कि अंदर जांदियां ही सिमरन शुरू हो जाता है, पैर रखो तो सिमरन शुरू हो जाता है। लकीर खिंची गई, सारे टप टप गए। दस गल छोटी करी, जबरदस्त जंग हो रही है, 75 साल दे धन धन बाबा दीप सिंह जी ने ओ सात संगत आहू लाए, ओ धौणा लाइया दुश्मन दिया सास, वाही ताही तुरिया पे कप, जबरदस्त हमले होए उधरों भी इधरों भी, सिंह अगे वधे जा रहे ने, उधर दिया सेना पठाना दिया को पिछे सात संगत वो पिछे होंदियां जा रही, बड़े बड़े जरनैल आए बाबा जी दे अगे ना टिक सके, अखीर दे विच सात संगत नौजवान एक जरनैल बड़ा जबरदस्त जरनैल सी उहदा अमान खान जिहदा नाम है, अमान खान ये बाबा जी दे अगे आ, कहिंदे बाबा आ हुण मेरे नाल हाथ कर, दो 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 हाथ मेरे नाल कर। बाबा दीप सिंह जी कहण लगे, कहिंदे क्यों जानो जान लगे, कहिंदे हाथ कर साडे नाल दो। बड़ा तगड़ा जरनैल सी जी उत्थे दा, ये सच्चाई है, बड़ा तगड़ा बाहूबल सी उहदे कोल अमान खान दे कोल, शरीरिक ताकत तो बहुत सी पर आत्मक ताकत कुछ नहीं सी, आखो सतनाम। इधर 75 साल दे सात संगत धन धन बाबा दीप सिंह जी दे विच शरीरिक ताकत तो सात संगत सी इस उम्र दे विच भी, ते आत्मक ताकत सिरा सी सिरा, आखो सतनाम। सिर ते कलगी वाले दा हाथ, बाजा वाले दा हाथ, दोनों दा बड़ा जबरदस्त शासन युद्ध होया और बड़ी देर तक युद्ध चलता, दोनों जरनैल जबरदस्त, एक पासे जवान तगड़ा सडोल, एक पासे शासन 75 साल दे बजुर्ग, आखो सतनाम। जबरदस्त जंग हो रही है, बड़ी देर तक दोनों की जंग चली, दोनों ने इको वार किया, इको पैंतरे का वार किया, और वार ऐसा सी गले ते वार सी,
बाबा जी का खंडा ओदे गले ते ओदे गले ते ओदी तौण हो गई ते ओदी तलवार सात संगत बाबा जी दे सीस ते आखो सतनाम बाबा जी दे सीस ते बाबा जी दी सीस लथ गया सात संगत जिन्हें 11 साल शब्द कमाया हो लगातार कई कई वारी एक एक शब्द का अभ्यास किया हो शब्द की कला वरतदी पई अंदरों कमाइया सात संगत कमाइया जदों सीस लथा है हुण खब्बे हाथ दे च रखिया सीस ते सज्जे हाथ दे विच खंडा है इस तों पहला एक सिख ने प्रण याद करवाया बाबा जी उधर अमान खान का धड़ पिया होया तड़फी जा रहा इधर उहदा गला उग गया इधर बाबा जी का शरीर ते सीस पिया ते सिंघां ने जदों वेख्या हाहाकार मच एक सिंह दौड़दा आया ते बाबा जी दे अगे बेनती की बाबा जी आप जी ने प्रण किया सी अरदास की सी कि उदों तक मौत नहीं आएगी जब तक हरिमंदर साहब आजाद ना हो जाए बस इन्नी कहण की देर सी सात संगत हरकत होनी शुरू हो गई शरीर दे विच आखो सतनाम हरकत होनी शुरू हो गई सात संगत जीओ कोई कहेगा किवें जदों कला वरतदी है ना गुरु दी मृतक को पायो तन सासा ओ तां मृतक नूं जवाल दे ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਇਬਾਦਤ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਠੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਚ ਖੰਡਾ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਚ ਸੀਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧੌਣਾ ਲਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਚਲੋ ਚਲਾਲ ਚ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵੇਖਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੜਦੇ ਖੜ ਖੜ ਉੱਠੀ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੜਦੇ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਸੀਨ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਭੱਜੇ ਅਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਅਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਉਹਨੇ ਹਿਲਾਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਪੈਰ ਉਖੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੱਜੜੇ ਭੱਜਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਤਾਂ ਝੜਦਾ ਜਾ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਸ ਸਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਉਦੋਂ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹਾਲੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੱਚੀ ਥਾਂ ਸੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸਨਮੁਖ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਉੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੀਸ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਐਸੇ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ ਸੀਸ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਮਨ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਗਾ ਕੇ ਪੜਾ ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਠਾਡਾ ਗੁਰਸੂਰਾ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਠਾਡਾ ਗੁਰਸੂਰਾ ਉਹ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦ ਤੱਕ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇ ਮੌਤ ਖੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰ ਚੁਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਜਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇਈ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਦੇਈ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੀਸ ਕੰਡ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਤਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਏਗਾ ਪਹਿਲੇ ਭਗਤ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਈ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਕੇ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਉੱਧਰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ, ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਹ ਰੌਣਕਾਂ ਇੱਧਰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖਣਾ ਜਿਤਨੀ ਰੌਣਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਤਨੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਭਗਤ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਧਰ ਦਰਬਾਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਪਾ ਤੀਆਂ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਐਤਵਾਰ ਚੁਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਤਿਲ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਗਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਗਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ।